ठीक हाँ, तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये इस एज पे मीट करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी डायमेंशन का इतना अच्छा हिसाब नहीं था तो ये एज पे मीट नहीं हुई, उसको जबरदस्ती चलो एज पे मीट करवा देते हैं, खैर है। लेकिन जब आप इसको डायमेंशंस के हिसाब से बनाओगे ना तो वो आपकी ऑटोमेटिकली ये एज पे आके मीट करेगी। तो ये आपकी जो है ये आपकी ड्राइंग है, इसमें अभी भी एक फीचर जो है वो एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन आपको नजर नहीं आएगी, ये बैक साइड पे है, हिडन लाइन है। और ये भी नजर नहीं आएगी, ये भी बैक साइड पे है, ये भी हिडन लाइन। ठीक है, तो ये आपका जो है ये इस ड्राइंग का आइसोमेट्रिक व्यू है, ये भी हिडन लाइन है, ये भी नजर नहीं आएंगे। तो जो जो आपकी हिडन लाइन है ना वो आपने मिटा मटू देनी है खुद से देख के। तो ये आपकी जो हिडन लाइंस थी वो मैंने मिटा दी है, जो आपको फीचर्स नजर आ रहे हैं सिर्फ आपने वो यहाँ पे ड्रॉ करने है। ये भी आपकी हिडन लाइन, ये आपकी लाइन है ही नहीं बल्कि ये स्मूथ सर्फेस। लो भाई ये आपकी ड्राइंग बन गई। इसमें क्या है कि एक ब्लॉक है नीचे, एक इसके ऊपर प्रिज्म था, और उसके बाद प्रिज्म में क्या हुआ, प्रिज्म के ऊपर हम लोगों ने एक होल कर दिया। तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये बनी इस तरह की हुई है कि ब्लॉक के ऊपर प्रिज्म रखा हुआ है लेकिन एक ग्रूव बना हुआ है, प्रिज्म के ऊपर ही ग्रूव बनाया गया जो कि एंड तक यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रिज्म बना के उसके बाद ग्रूव को कट किया, और तरीका भी यही होता है। बेशक पहले ग्रूव मैंने बना लिया था, लेकिन आप लोग अगर बनाओ तो आपने क्या करना है, पहले प्रिज्म बना लेना है ब्लॉक, उसके ऊपर प्रिज्म, उसके बाद आपने ग्रूव को कट करना है ताकि जहां जहां से प्रिज्म कट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाए। तो अगर इसको बुक में देखें तो बुक में ये बुक में इसकी व्यू है, तो हमारा भी ऑलमोस्ट अच्छा, बल्कि ग्रूव थ्रू एंड थ्रू नहीं है, ये मैंने थ्रू एंड थ्रू बना दिया, गलती की है। ग्रूव की जो डेप्थ है वो यहाँ तक है, 10 तक है ग्रूव की डेप्थ, तो इसको थ्रू एंड थ्रू नहीं बनाना आपने, मैंने इसको थ्रू एंड थ्रू बना दिया। तो इसकी डेप्थ आपने 10 तक रखनी है, तो मैं इसकी डेप्थ 10 तक कर देता हूँ। वैसे ये इसकी डेप्थ हम 10 तक कर देते हैं, तो ये इसकी डेप्थ हमने 10 तक कर दी। ठीक हो गया सब, थोड़ा सा ये नई चीज है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा अभी इसको परसीव करने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये खुद बखुद ही ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये काफी मुश्किल होती है ड्राइंग, लेकिन मैं आपको मुश्किल वाली नहीं दूंगा, मैं आपको सिंपल वाली दूंगा, जिस तरह की हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे उसी तरह की, उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स में भी हो लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं मैं आपको दूंगा। तो ये फर्स्ट हमने थी, हमने प्रैक्टिस कर ली, सेकंड की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेकंड का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको 3D व्यू ना नजर आए पहले, नहीं तो अगर पहले से देख लो ना फिर आपको बताया कि बंदे का दिमाग उसी तरफ को लगा रहता है। नहीं, नजर आ रही है स्क्रीन? अभी आप मुझे बताओ कि जो हमने ब्लॉक, बेस ब्लॉक बनाना है उसकी डाइमेंशंस क्या होंगी इस पे से देख के। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू,
तो जो हमारा बेस ब्लॉक है, पहली बात तो ये उसको आइडेंटिफाई करो कि बेस ब्लॉक है कौन सा। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपका जो बेस ब्लॉक है जी जनाब साहब, वो आपका ये वाला एरिया है सारा, ये वाला एरिया सारा आपका बेस ब्लॉक है। ये तो हमें देख के पता लग जाता है। अब इस बेस ब्लॉक की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो इस हम लोगों ने देखा कि इसकी जो लेंथ है वो हमें नजर आ रही है स्ट्रेट अवे कि वो है 75। उसके बाद उसकी जो हाइट है वो हमें नजर आ रही है 12, और जो उसकी विड्थ होगी वो हमें टॉप व्यू से नजर आएगी इनटू द पेज 38, वो है 38। तो आप सबसे पहले अपने एक्स वाई जेड यहाँ पे प्लॉट करोगे। तो अब चूंकि ये इसके कॉर्नर थोड़े से उस तरह के हैं, कर्व वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहेंगे इनको, एक्सिस के लॉन्ग नहीं है लाइंस, आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल में लाइंस नहीं है ये दोनों। लेकिन हम लोगों ने इसको एज अ ब्लॉक ही बनाना है। तो हम लोग जो बनाएंगे शुरू में वो क्या होगा, वो एज अ ब्लॉक ही बनेगा। वो हम लोगों ने ये चीज बनानी है, इसको ब्लॉक की फॉर्म में ही बनाना है जब हमने ड्रॉ करना है इसको स्टार्ट में। तो आप इसको एज अ ब्लॉक लो, समझ लो ये ब्लॉक है, ये हमारे पास ब्लॉक है, हम लोगों ने ये ब्लॉक बनाना है। तो इस ब्लॉक की लेंथ 75 है और इस ब्लॉक की जो विड्थ है वो है 38 और हाइट है 12। तो इस वाले कॉर्नर से, इस वाले एज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले एज से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लगा ली। चलो वर्टिकल लाइन की जो हाइट होगी वो होगी 12, और अगर हम इसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.813 कर लेंगे इसको हम लोग, या 0.803 जितना भी है मुझे अभी याद नहीं है, 813 मल्टीप्लाई बाय 12, 9.756 हमने इसकी हाइट रखनी है। तो जब आपको जिस तरह की भी कमांड दी जाए कि प्रोजेक्शन बनानी है कि ड्राइंग बनानी है, उसके हिसाब से आपने इसको ड्रॉ करना है। अभी हम लोग इसको ड्राइंग के तौर पे बना रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद है सीखना, डायमेंशनिंग आपको वैसे भी करनी आती है कि क्या होती है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोगों ने लेंथ जो है इसकी 75, उसकी हम लोगों ने बना दिया है जी ये 75 का इसकी लेंथ ये वाली, और 38 हम लोग बना देते हैं इसकी विड्थ। तो ये 38 बन गई है इसकी विड्थ। तो ये आपके एक्स वाई जेड बन चुके हैं, बाकी सब कुछ आपने इसके पैरेलल में ही बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्लॉक को पूरा कर लेते हैं। ये आपके पास आ गई हाइट, फिर यहाँ पे एक और हाइट, टेढ़ा हो गया। उसके बाद पैरेलल टू वाई आपने बनानी है। जब आपके पास सेट स्केयर्स होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये बनाना, क्योंकि सेट स्केयर्स में ऑलरेडी 30 डिग्री का एंगल होता है। ये ब्लॉक ठीक ही बन गया, ऑलमोस्ट ब्लॉक बन गया। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे, पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम लोग कट कर लेते हैं ताकि हमारा जो ब्लॉक है वो फाइनलाइज हो जाए, बेस ब्लॉक। कॉर्नर कट करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? 11 की लेंथ है हमें पता लग गया, तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है 11 की लेंथ पे और यहाँ पे मार्क कर देना है, और एक पॉइंट लेना है और वो 11 की लेंथ पे और वो यहाँ पे मार्क कर देना है। इसी तरह 11 की लेंथ पे यहाँ पे मार्क कर दिया, 11 की लेंथ पे यहाँ पे मार्क कर दिया, और जो इसकी ये वाली लेंथ है ये हमें फ्रंट व्यू से नजर आ रही है, ये भी 11 है। तो फ्रंट व्यू पे ये जो विजिबल एज है ये वाला इसका, वहां से लेके कॉर्नर तक की जो लेंथ है वो 11 है। तो यहाँ पे भी आप 11 का मार्क करो, 11 11 और यहाँ पे भी 11, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या काम रह गया, लाइनें खींचना बस। अब आपने लाइनें खींच देनी है, ये लाइन ये होगी, ये लाइन ये होगी, और फिर वर्टिकल लाइन होगी,
और फिर यहां से भी वर्टिकल लाइन होगी। यहां से भी वर्टिकल लाइन होगी। और यहां से आपकी एक लाइन होगी यू कर। अब फालतू की लाइनें मिटा दो, ये फालतू की लाइन मिट गई। और ये फालतू की मिट गई। तो जी आपका बेस ब्लॉक यहाँ पे हो गया तैयार। अब उसके बाद आपके पास दो फीचर्स और हैं। एक फीचर जो है वो हमें टॉप व्यू से नजर आ रहा है, फ्रंट व्यू से नजर आ रहा है सॉरी, कि वो विजिबल फीचर है। ये सिर्फ ब्लॉक के ऊपर पड़ा हुआ है ये, और इसकी डायमेंशन हमें यहाँ से मिल गई है। इसकी हाइट हमें मिल गई है 15, समझ लो ये ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसकी हाइट और विड्थ हमें मिल गई है 15 एंड 22, और उसकी जो सॉरी हाइट और लेंथ मिल गई है 22, और इसकी विड्थ है वो भी 22 है, यहाँ से हमें पता लग गया ठीक है। और ये बेस ब्लॉक की इस वाली साइड से 8 की लेंथ पे है, और वो जो एक्सट्रीम पीछे वाला एज है वहां से भी 8 की लेंथ पे है। तो मतलब यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8, और इसकी डायमेंशन हमें पता लग गई 22 बाई 22 और 15। तो पहले आपने इसके ये कॉर्नर अचीव करने हैं, इसके जो कॉर्नर है कॉर्नर अचीव करना बड़ा आसान है। आपने 8 8 8 की उस पर ये पॉइंट्स लगाने हैं। 8 पे आपने ये पॉइंट लगा लिया, इसी तरह इस साइड पे भी 8 पे पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 8 पे पॉइंट लगा लिया, और यहाँ पे आप लगा नहीं सकते तो यहाँ पे रहने दो। आप बस सीधा क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल रखना है बस लाइन को, पैरेलल सॉरी पैरेलल लग नहीं रही बस। ठीक है ये हो गया और ये हो गया, एज हमें मिल गया, ये पास हमारे पास एज है। इस एज को प्रोमिनेंट कर लेते हैं, चलो ये एज है हमारे पास। मैंने वैसे ही कर लिया, मिटाना आसान हो गया, आप लोग इसको डायरेक्ट बनाना। तो इस एज से हमें हमारे पास 22 और 22 का हम लोगों ने एक स्केयर बनाना है। स्केयर कैसे बनता है, स्केयर पैरेलल टू दीज लाइन बनेगा। 22 की हमने ये सपोज लाइन लगा ली, इसी तरह 22 की हमने ये लाइन लगा ली, 22 की ये लाइन लगा ली, और फिर ये ऑटोमेटिकली 22 की होगी ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट है हमारे पास 15, तो आप वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे 15 की, 15 15, और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो। बहुत छोटी बन गई है वो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर 15 की होगी, उसके बाद ज्वाइन कर दो इसको इसके साथ, ठीक हो गया। फालतू की लाइनें मिटा दो, तो ये जो फीचर है ये भी फालतू का है, इस ब्लॉक के पीछे छुप जाएगा, ये भी फालतू का है, ये भी छुप जाएगा। ये सेकेंडरी ब्लॉक की हिडन लाइंस है, ये हमें नजर नहीं आ रही।
और उसके बाद ये भी इधर लाइन। ठीक है, तो ये ब्लॉक के ऊपर हमने एक और ब्लॉक बना दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट है वो क्या है जी, आपके पास ये एक ये जो फीचर है ये होल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये हिडन लाइंस बनी हुई है, मतलब ये जो फीचर है जो यहाँ पे प्रोमिनेंट है हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, कि असल में जो हमारा प्राइमरी ब्लॉक है ये जो बेस ब्लॉक है उसके उसको दरमियान में ग्रूव बना हुआ है या होल बना हुआ है, क्योंकि हिडन फीचर्स के तौर पर शो होगा। तो ये यहाँ पे बनेगा और इन द फॉर्म ऑफ होल बनेगा। इसकी डायमेंशन आपको नजर आ रही है 16 इसकी विड्थ है, हाइट इसकी ब्लॉक जितनी हाइट है, और 22 इसकी लेंथ है। इसका जो डिस्टेंस है वो इससे 8 का है। ठीक है, तो 22 इसकी लेंथ थी, आप 8 का डिस्टेंस लगाओगे, यहाँ से 11 का डिस्टेंस है, इससे 8 का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपने मेजर कर लेना है। ये मैं आपको रिपीट नहीं करता, ये आपको खुद पता होना चाहिए। यहाँ से आपने 8 की लाइन लगानी है, 8 की लाइन लगानी है, तो आपको पता लग जाएगा। और फिर वर्टिकल लाइन लगा दें, फिर हम इसको इसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये आपके पास है जी, सपोज ये इसकी मैंने लेंथ लगा ली और फिर ये भी लगा ली, उसके बाद ये आपका बन गया। इसको होल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाएंगे, और अगर इस लाइन की जो आपकी हाइट है वो हाइट आपके बेस ब्लॉक की हाइट से एक्सीड कर रही है, सपोज बेस ब्लॉक की हाइट यहाँ पे आके खत्म हो रही है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। इसको फुल थ्रू एंड थ्रू ऐसे नहीं बना सकते अंदाजे से, बेस ब्लॉक की हाइट के हिसाब से आपने इस वर्टिकल लाइन की हाइट लगानी है। अगर ये बेस ब्लॉक की हाइट तक बन गई है और ये नीचे वाली लाइन को टच नहीं करी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉर्नर यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे, ताकि देखने वाले को पता लगे कि जो होल है इसकी असल में हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये मैंने इसको यूं कर दिया, अभी ये होल की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो ये आपकी ये थी ड्राइंग थी, ये सिंपल सी ड्राइंग थी। इसको हम लोग देख भी लेते हैं कि पीडीएफ में ये कैसी लग रही है। तो पीडीएफ में ये ऐसी लग रही है और हमारी कैसी लग रही है, हमारे एंगल थोड़े से मेरे ख्याल से कम है 30 से, ये वाला जो एंगल है ये 30 से कम लग रहा है, बाकी ठीक है, बनानी आपको आ गई। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको? चलो आगे होगी। ठीक है, तो आज का जो थर्ड है आखिरी हम लोग बनाएंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग, उसके बाद आप लोगों ने फिर जो भी बनाना है वो खुद से बनाना है। ठीक है, तो नीचे देख लेते हैं। अब ये तो है, काफी सारी इसमें ऑप्शंस हैं, हम लोग कोई सी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आंसर के साथ नजर आएंगी सारी। चलिए मैं कोई डिफिकल्टी चूज करता हूँ, फिर हम लोग वो बना लें। आप लोग जब तक ये देखो, थोड़ी सी डिफिकल्ट चूज करते हैं ताकि फिर आपको पता लग जाए कि कैसे बनती, फिर आपकी पेपर की भी थोड़ी सी एग्जाम की भी हो जाएगी प्रैक्टिस। ये वाली लग रही है ठीक, ये सर मैंने पूछना था कि सर वो अभी सर ये खबर आई थी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर आएगा यूनिवर्सिटीज, सॉरी कोई। अच्छा, तो फिर तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की हो ना, थर्ड के हो बल्कि आप? नहीं सर, नहीं सर सेकंड के, मतलब आप थर्ड में जाओगे ना आप? मेरे ख्याल से यूटी, हाँ जी सर थर्ड में, थर्ड में सर। यूटी ने अभी तक मीटिंग नहीं की, लेकिन उनका जो प्लान है ना, मेरे ख्याल से जो पहले भी प्लान था वो ये था कि
यकम अक्टूबर से आप लोगों की यूनिवर्सिटी ओपन होगी, क्योंकि आपके जो एग्जाम सेशन आप लोगों का चलेगा वो यकम अक्टूबर तक जाएगा, ऑलमोस्ट सितंबर के एंड तक जाएगा, और फिर उसके बाद नए सेशंस को बुला लें। तो यूनिवर्सिटी जो हुकूमत का ऐलान हुआ है ना, वो तो 15 सितंबर से खुलने का हुआ है, लेकिन यूईटी ने तो पहले से ही खोली हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया था कि 15 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक सेशन के पेपर लेंगे, और उसके बाद 1 अक्टूबर से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और फाइनल ईयर के लिए खोलेंगे यूनिवर्सिटी। तो यूईटी अपने पुराने प्लान पे चलेगी, मेरे ख्याल से चेंजेस नहीं आएंगे। समझ आई बात आपको? तो आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने आना है, फर्स्ट सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर नहीं आएगा, उनकी छुट्टियां ही रहेंगी। आप लोग आओगे, आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद 1 अक्टूबर से फर्स्ट सेमेस्टर और सेवन सेमेस्टर आएंगे। सर हमने 14 को ही आ जाना है। अभी तक वैसे इसका वो ऑफिशियल ऑर्डर तो आया हुआ है पुराना वाला, नया नहीं निकाला इन्होंने हुकूमत के ऐलान के बाद, लेकिन आपका 14 से आपने आना है, आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी 14 से। कंफर्म कर लेना एचओडी से या किसी से, लेकिन जो प्लान है ना यूईटी का, उसके हिसाब से 14 को आपने कैंपस पे होना है, आपकी लैब्स शुरू हो जाएंगी 14। और उसके बाद एक हफ्ते की लैब है, फिर एक हफ्ते के एग्जाम। आप छुट्टी नहीं होगी पेपर में? अब ये तो मुझे क्या पता, डेट शीट जब बनाएगा उसको बताओगा। अभी आप कैंपस तो आओ ना, फिर वो बाकी बातें बाद में चलते। चलें जी इसको देख लेते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, दो व्यूज आपको दिए मैं। बेस ब्लॉक सबसे पहले बनाओगे आप, बेस ब्लॉक की डायमेंशन हमें यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है। बेस ब्लॉक की लेंथ है 80, विड्थ है 40 और हाइट है 10। तो पहले हम लोग बेस ब्लॉक बना लेते हैं। बेस ब्लॉक की हाइट है आपके पास 10, ये हाइट बन गई, इधर कर लो, और लेंथ है इसकी 80, ये इसकी लेंथ बन गई। और विड्थ है इसकी 40, ये इसकी विड्थ बन गई। उसके बाद बाकी का ही बना लो। ठीक हो गया, बेस ब्लॉक बन गया आपका। बेस ब्लॉक बनाना तो मेरे ख्याल सबको आ गया होगा, सबसे आसान काम बेस ब्लॉक बनाना था। उसके बाद जी नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, अब फीचर्स देख लो इसके, फीचर्स कौन कौन से हैं। मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू में मुझे एक ये सर्कुलर फीचर नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला फीचर है, ये ब्लॉक है, उसके ऊपर सर्कल बना हुआ है। तो हम लोग पहले ब्लॉक को देखेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे फीचर्स नजर आ रहे हैं वो एक ये ब्लॉक है, तो मैं ब्लॉक बना देता हूँ। ये मेरे पास एक ब्लॉक का फीचर है जी, और इस ब्लॉक के फीचर के अंदर ये एक सर्कल है, ठीक है। दो फीचर ये हो गए, थर्ड फीचर मेरे पास ये एक होल है, और फोर्थ फीचर मेरे पास है ये ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले मैं ब्लॉक को देख लेता हूँ, ब्लॉक मेरा क्या चीज है। ब्लॉक में क्या है जी, मेरे पास फुल थ्रू एंड थ्रू ब्लॉक नहीं है, मुझे टॉप में से पता लगा। जो मेरा जो सेकेंडरी ब्लॉक है, जो बेस ब्लॉक के ऊपर बना हुआ है, ये वाला ब्लॉक की जो लेंथ है ये 10 यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो ये 30 की लेंथ है। और 30 की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, ये इस वाले एज से और इस वाले एज से इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 25 प्लस 10 प्लस 10 कितनी होगी,
35 45 45 की इसकी लेंथ है और 30 की इसकी विड्थ है इस वाले इन वाले दो एजेस से, और इस ब्लॉक के ऊपर एक ग्रूव बना हुआ है सर्कुलर ग्रूव की जो आपको नजर आ रहा है, तो सर्कुलर ग्रूव का जो डायमीटर है वो 25 है। सेंटर लाइन ये नजर आ रही है कि हमें शो कर रही है कि ये जो 25 आपकी जो डायमीटर लेंथ दी हुई है ये असल में एक डायमीटर है किसी सर्कल का जिसकी सेंटर लाइन ये है, और ये सर्कल कैसा है हमें यहाँ पे देख के पता लगता है कि ये सेमी सर्कल है, ये फुल सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है और इसकी जो विड्थ डायमीटर है वो 25 है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले बनाएंगे ब्लॉक और उसके बाद फिर हम उसको सर्कुलर ग्रूव बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं जी, ब्लॉक की जो डायमेंशन है हमें पता लग गई है 30 और 45, तो मैं कहता हूँ जी 45 जी हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ तक है, ये 45 है ये 45 बना दिया मैंने और 30 बना दिया, ये डायमेंशन के बगैर बना रहा हूँ, आपने डायमेंशन के साथ बनाना है, तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। ठीक हो गया, ब्लॉक अब बनाना है, ब्लॉक की हाइट हमारे पास कितनी है, 35 टोटल है, 10 माइनस करेंगे 25 की हाइट है, तो 25 हाइट का मैंने जी ये 25 हाइट होगी, ये भी 25 होगी, ये भी 25 हो गई, अब यहाँ पे आपके पास काफी सारी हिडन लाइंस हैं, लेकिन उसको अब आपने मिटाना है कि नहीं मिटाना, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने सर्कुलर होल नहीं बनाया, पर प्रॉबेबली जो आपकी कुछ हिडन लाइंस आपको जो यहाँ पे हिडन लग रही हैं वो सर्कुलर ये होल या ग्रूव बनाने के बाद वो हिडन ना रहे, तो ये जो पीछे वाली दो लाइन है ना, ये वाली तो खैर हिडन ही है क्योंकि ये सॉलिड फेस है, लेकिन ये जो दो लाइन हैं ये क्या पता हिडन ना हो, लेकिन इसमें आप या तो उसको अभी मिटा दो बाद में ड्रॉ कर दो, या फिर आप इसको रहने दो, मैं इसको मिटा के बाद में ड्रॉ करता हूँ ताकि ये देखने में मुझे आसानी, तो ये आपके पास है जी, ठीक है, ये आपका ब्लॉक बन गया, इसके ऊपर आपने होल बनाना है, होल की डायमेंशन 10 10 यहाँ पे है, तो मैं पॉइंट्स लगा लेता हूँ, ये 10 का पॉइंट लगा लिया, ये 10 का पॉइंट लगा लिया। अब जो होल बनाने का तरीका है वो आप लोगों को पता है क्या होता है, सेंटर पॉइंट वाला जो तरीका है, 4 सेंटर पॉइंट वाला, उसके लिए आपको पहले इसका स्केयर बनाना पड़ता है, इसका स्केयर हम लोग बना लेते हैं, बड़ा आसान है क्योंकि इसकी जो डायमीटर है वो 25 है, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 12.5, तो आप क्या करोगे यहाँ से 12.5 की एक वर्टिकल लाइन लगाओगे, ये 12.5 की लगाओगे ये, वर्टिकल लाइन सीधी सीधी लगाएंगे 12.5 12.5, तो हमने जोड़ दिया हॉरिजॉन्टली इस तरह करके, इसी तरह 12.5 12.5, और इसको हमने जोड़ दिया यूं कर, तो ये वो आपका स्केयर बन गया है, जिस स्केयर पे आपने अपना सर्कल ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आधा सर्कल आपने रिमूव कर देना है, ठीक है, तो ये हमने स्केयर बना लिया, इस स्केयर के ऊपर आपने अपना सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, अल्टीमेटली होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे बना लेंगे सर्कल, जैसा कैसा मुझसे बनता है मैं बना देता हूँ,
बड़ा अजीब सा बना है वैसे। ये बड़े अजीब सा आर्क बनी है। चलो ऐसे ठीक है। तो ये सर्कल आपने यहाँ पे भी बनाना है भाई मेरे, और आपने ये सर्कल बनाना है यहाँ पे भी दोनों साइड पे। और दोनों साइड्स पे बनाने के लिए वही आपकी डायमेंशन चलेंगी। इसी तरह का सर्कल आपने वहां पे भी बनाना है जिस तरह का मैंने बनाया। ठीक है चलो जैसा ही बनाया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिलीट कर देंगे इसको, ये लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, ये लाइन भी आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है तो ये आपका सर्कुलर ग्रूव बन गया। मेरा बड़ा अजीब सा बना है, आपका बेहतरीन सा बनेगा क्योंकि आप सर्कल जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से लगाओगे। ठीक है समझ आ गई ये बात सबको? यस सर। उसके बाद दो फीचर्स रह गए आपके। एक फीचर है ये, फीचर है ये ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल जो है अब हमने देखना है कि ट्रायंगल की जो विड्थ है वो कितनी है। तो आपको टॉप व्यू से नजर आता है कि ट्रायंगल थ्रू एंड थ्रू ये भी नहीं है, ये सिर्फ 10 का है, 10 का है इसकी विड्थ। और ये आपने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ड्रॉ करना, तो ये डायरेक्टली ड्रॉ हो जाएगा। इसमें हमें रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉर्नर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगाएंगे लाइन सीधी। उसके बाद 10 की लेंथ पे आपने एक और लाइन लगानी है, और ये आपका बन गया जी ट्राइंगल। जो आपके हिडन फीचर्स हैं वो आपने डिलीट कर देने। मैं हिडन फीचर साथ साथ डिलीट करता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हिडन फीचर एंड में डिलीट करते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि अब मेरे पास क्योंकि सारी जो लाइन्स हैं वो प्रोमिनेंट हैं, तो मुझे डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आपने अपना बेस ब्लॉक बनाना है तो आपने उसको हल्का सा, उसको लाइट सा रखना है अपने बेस ब्लॉक को। आप अपने बेस ब्लॉक को लाइट सा रखोगे तभी फिर आपका, आपको पता लगेगा कि कौन सी जो लाइन है वो कंस्ट्रक्शन लाइन है और कौन सी जो लाइन है वो फालतू सी लाइन है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगेगी, वो हमने लगाना भूल गए हैं हम लोग। एक लाइन यहाँ पे लगेगी, और आपका ये वाला जो फीचर है ये हो जाएगा डिलीट। ये वाला भी हो जाएगा डिलीट, ये वाला भी हो जाएगा डिलीट। ठीक हो गया। आखिरी जो आपका है वो है ये होल, और ये होल भी बड़ा आसान है बनाना। इसका बस आपने इसका स्केयर आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पे है। स्केयर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसका सेंटर पे जाना पड़ेगा। इसके सेंटर की डायमेंशन हमें दी हुई है 15 जो है इसकी डायमेंशन सेंटर की इस वाली सरफेस से है, और 15 अगर आप फ्रंट व्यू में देखो तो इस वाले एज से है। तो 15 के एज पे आपने क्या करना है, 15 का एज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, 15 का कर लिया, और यहाँ से मैंने लाइनें खींच के इसके सेंटर तक पहुँच जाऊँगा मैं। तो ये इसके सेंटर पे पहुँच गया हूँ, ये होल का सेंटर पॉइंट है। वैसे गलत बना है, यहाँ पे बनना चाहिए, हम इसको होल का सेंटर पॉइंट यहाँ बना देते हैं। ये होल का सेंटर पॉइंट, डायमेंशनिंग हमारी ख़राब है, जैसे सही नहीं बना। इस पॉइंट पे आपने वो स्केयर बनाना है। स्केयर के आप देखो यहाँ पे डायमीटर 10 है, तो स्केयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको किसी भी साइड पे आप 5 की लाइन लगाओगे। 5 की लाइन लगा ली मैंने ये, तो मैं अब समझ लो कि मैं इस वाले कॉर्नर पे पहुंच गया हूँ कि 5 की लाइन लगा के इस वाली लोकेशन पे, ये जो लोकेशन है यहाँ से मैंने स्केयर बनाने के लिए क्या करना है, 5 की लाइन इस तरफ लगानी है।
फाइव की लाइन इस तरफ को लगानी है, 10 चूंकि डायमीटर है, 5 की लाइन इस तरफ को लगानी है, फिर उसके बाद 10 की लाइन मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लगानी है, दोबारा से 10 की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लगानी है, और उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देना है ताकि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो ये आपका स्केयर बन जाएगा और इस स्केयर में आपको बन जाएगा होल, और होल आप बना लेना। ये होल मैंने बना दिया, तो होल में कोई वर्टिकल लाइन नहीं होती, लेकिन होल को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व लगा देते हैं यूं करके, ठीक है भाई। तो ये होल मैंने शो करा दी, ये आपकी ड्राइंग है। इन दोनों की जो हाइट होनी चाहिए ना, ये जो हाइट है ये इसकी वर्टिकल हाइट के बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी वर्टिकल हाइट से ज्यादा हो गया तो फिर आपको ये फीचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो मैंने बनाया है होल शो करने के लिए, इसके बगैर ही आपकी ड्राइंग पूरी हो जाएगी। तो ये जो इसकी ये जो हाइट है ना, ये इसकी हाइट के बराबर से ज्यादा होगी तब ये फीचर बनेगा। तो बुक में हम देखें अगर इसको, तो बुक में इसकी जो ये बनी हुई है, ठीक है, इस केस में इसने, आप देखोगे कि इसने वो वर्टिकल वाला गोल दायरा नहीं बनाया, क्योंकि इसके केस में क्या होगा कि इस केस में इसका जो हाइट होगी ये वाली, वो इसकी ब्लॉक की हाइट से कम होगी, तब वो बनाना नहीं पड़ा। लेकिन किसी और जगह पे कोई होल हो तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा। ये देखो जैसे ये होल है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि ये गोल बनाया हुआ है, क्योंकि अब जो है ये जो हाइट है ये ब्लॉक की हाइट के बराबर है, उसके बाद ये सर्कल बनता है। तो आपने अपने ब्लॉक की हाइट और ये हाइट मेजर करनी है, अगर आपकी ये हाइट ज्यादा है तो फिर आपने ये बनाना है फीचर, नहीं तो नहीं बनाना। तो ये तीन हमने प्रैक्टिस कर ली है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, ये इसलिए मैंने नहीं करवाया कि इसमें प्रिज्म था, बाकी एच बनाना इसमें कोई मसला नहीं, एच बनाना आसान है, ये हम लोगों ने बनाया है, ये भी बड़ा ये भी आसान है, इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम ब्लॉक बनाएंगे, पहले ब्लॉक बनाएंगे, ये किनारे बाद में काट लेंगे, उसके बाद ये सर्कल भी हम लोग काट लेंगे, सर्कल जिस तरह आप काटते हो। उसके बाद इसमें तीन फीचर्स मुझे नजर आ रहे हैं, एक ये सर्कुलर वाला फीचर था वो आपने बना लिया, एक ये वाला फीचर है, ये हमें यहाँ पे देख के पता लगता है टॉप व्यू में, इसमें टॉप और फ्रंट ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बनाया हुआ है। हाँ थर्ड एंगल, तो फ्रंट व्यू ये है, टॉप व्यू ये है। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या नजर आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर फीचर है, और ये रेक्टेंगुलर फीचर क्या किस तरह का है, टॉप व्यू में आपको देख के पता लग रहा होगा कि रेक्टेंगुलर फीचर ब्लॉक के सेंटर में बना हुआ है। तो ये देखो ये ब्लॉक के सेंटर में इसने रेक्टेंगुलर फीचर बना दिया। उसके बाद ये एक होल है और ये एक ब्लॉक है, आप ये पहले पूरा ब्लॉक बनाओगे, उस ब्लॉक के कॉर्नर्स आप राउंड करोगे और उसके